सो फाइनली जुजुत्सु काइजन चैप्टर 204 रिलीज हो गया है एंड ये चैप्टर एकदम ऑसम चैप्टर था। इस चैप्टर में हमें चोजो वर्सेस केंजागु की कंटिन्यूएशन फाइट देखने को मिली जो एकदम गजब था। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा प्रीवियस चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। एंड बेसिकली प्रीवियस चैप्टर हमने देखा था कि चोजो एंड केंजागु की लड़ाई हो रही थी एंड उस दौरान चोजो की हालत काफी खराब थी एंड केंजागु ने उसे काफी बुरी तरीके से पेला था। लेकिन फिर भी प्रीवियस चैप्टर के लास्ट पैनल में हम चोजो को देखते हैं जो दोबारा उठ खड़ा होता है डेड पेंटिंग की वजह से। एंड लेटेस्ट चैप्टर सीन से ही कंटिन्यू होता है जहां हम चोजो के भाइयों को देखते हैं जो कहते हैं कि यू कैन डू इट। एंड बेसिकली ये सीन, ये पैनल ये इंडिकेट करता है कि जो चोजो के भाई है वो उससे मोटिवेट कर रहे हैं कि वो कुछ कर सकता है, वो दोबारा उठ खड़ा हो सकता है एंड दोबारा केंजागु से लड़ सकता है। और शायद इसी के वजह से ही चोजो का एक न्यू टेक्निक भी अनलॉक हो जाता है। सो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि चोजो अटैक के लिए तैयार है बट तभी केंजागु कहता है पियर्सिंग ब्लड टेक्निक शुरुआत में ही तेज होती है और अगर मैंने पहली बार में ही उसे डॉच कर लिया तो तब वो अटैक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगी। सो इसी पैनल में हम साफ साफ देख सकते हैं कि केंजागु चोजो के पियर्सिंग ब्लड अटैक को काफी इजीली डॉच कर रहा है एंड इसी बीच पियर्सिंग ब्लड अटैक केंजागु को फॉलो कर रहा है। लेकिन इसी पैनल में हम ये भी देखते हैं कि केंजागु उस अटैक से बचने के लिए अपने कर्स स्पीड्स को सैक्रिफाइस कर देता है। एंड आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हम चोजो को देखते हैं जिसके पीछे विंग्स है एंड हम सभी को पता ही चल गया था कि प्रीवियस चैप्टर में कि चोजो ने दैट पेंटिंग्स को ले लिया था एंड शायद दैट पेंटिंग्स को यूज करने की वजह से ही चोजो के पीछे विंग्स आ गए हैं। मतलब आप इसे कह सकते हो कि चोजो को एक काइंड ऑफ अ न्यू टेक्निक है। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि चोजो अभी भी केंजागु से लड़ रहा होता है और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो चोजो के जो विंग्स है वो पियर्सिंग ब्लड काइंड ऑफ एन अटैक में भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लेकिन उन अटैक्स को भी केंजागु काफी इजीली डॉच कर लेता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट पैनल केंजागु कर्स स्पिरिट से अटैक करता है चोजो पर जो चोजो को लग भी जाती है। एंड इस पूरे सीन को देखने के बाद, इस पूरे फाइटिंग को देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि चोजो ने अभी तक केंजागु को एक भी पंच नहीं मारा है एंड लिटरली केंजागु उसे बच्चा समझ के उसके साथ खेल रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो फाइटिंग सीन है उसे एनिमे में देखकर काफी मजा आने वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है ये प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स भी हो सकती है। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम केंजागु को देखते हैं जो एक पेड़ के टहनी में बैठा हुआ है और कहता है अगर कोई अपने स्किल में ट्रैकिंग डाल दे तो पियर्सिंग ब्लड की स्पीड स्लो हो जाती है और साथ ही साथ क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं तो तुम्हारे खून में जो जहर है वो भी मुझ पर काम नहीं कर सकता है। तो इस पैनल के थ्रू हमें काफी कुछ जानने को मिलता है जैसे कि जो पियर्सिंग ब्लड अटैक है वो एक ट्रैकिंग अटैक है। मतलब ये अटैक अपने टारगेट्स को फॉलो करता है, वो जहां जाएगा ये अटैक्स भी उसका पीछा करते रहेंगे एंड दैट्स व्हाई ये अटैक धीरे धीरे स्लो होते जाते हैं जिसके वजह से कोई भी इसे इजीली डॉच कर पाता है। एंड इसके साथ साथ इस पैनल के थ्रू हमें यह भी पता चलता है कि चोजो के खून में जहर है एंड ये चीज हमें तब पता चल गई थी जब चोजो नायोआ से लड़ रहा था। लेकिन एक चीज जो हमें इस पैनल में पता चली वो ये है कि केंजागु चोजो का बाप है जिसके वजह से पॉइजन उस पर काम नहीं करेगा। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम चोजो को देखते हैं जो एक गजब का चीज करता है। मतलब वो अपने हाथ को लूफी की तरह स्ट्रेच करके केंजागु को पकड़ लेता है एंड वो अपने हाथ को ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक की वजह से इतना लंबा खींच सका। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये सीन देखकर काफी अच्छा लगा, काफी बढ़िया था ये सीन। सो इसके बाद केंजागु को पकड़ने के बाद चोजो केंजागु को अपनी ओर खींच के जमीन पर पटक देता है एंड तब चोजो एक पंच मारता है लेकिन केंजागु तब दोबारा अगेन अपने कर्स स्पिरिट को यूज करके चोजो के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। सो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि चोजो मल्टीपल ब्लड पियर्सिंग काइंड ऑफ अटैक यूज करता है एक साथ। एंड इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम ये देखते हैं कि चोजो एक न्यू अटैक यूज करता है जो कि एक ब्लड बॉम्ब की तरह है जो चारों ओर से अटैक करता है केंजागु पर बट केंजागु उस अटैक को नलीफाई कर देता है एंड उसके चारों ओर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड ये चीज देखकर चोजो टोटली कंफ्यूज हो जाता है बट तभी वो ये रियलाइज करता है कि शायद से केंजागु ने कोई नया कर्स टेक्निक यूज किया है। एंड इसके बाद इन लास्ट पैनल सुकुमो की एंट्री होती है जो इस फाइट को ज्वाइन करती है। सो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस पूरे सिनेरियो को एनालाइज करने के बाद आई रियलाइज दैट कि केंजागु का नया कर्स टेक्निक यूज करना इज अ बिग थिंग जो कि साफ साफ ये दर्शाता है कि चोजो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब उसने लिटरली यूजी को भी हराया है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, हमें केंजागु की अदर कर्स टेक्निक के बारे में अभी भी कोई भी आइडिया नहीं है तो ये जानना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले चैप्टर्स में। सो ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर काफी बढ़िया चैप्टर था, मुझे तो पढ़कर काफी मजा आया। एंड इस पूरे फाइटिंग सिनेरियो में भले ही चोजो एक भी अटैक नहीं कर पाया केंजागु के ऊपर बट स्टिल वो काफी कूल लग रहा था और केंजागु का अलग कर्स टेक्निक यूज करना एक काइंड ऑफ अ विन है चोजो के लिए। लेकिन हमें भी पता है, आपको भी पता है कि यहां से चीजें और भी ज्यादा सीरियस होने वाली है क्योंकि सुकुमो की एंट्री हो गई है इस फाइट में एंड कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जानने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो इसके अलावा अगर आप प्रीवियस चैप्टर का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन वीडियो मिस कर गए तो जल्दी से ये वाला वीडियो देख लो। एंड बाकी अगर आप सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो, इंस्टा ट्विटर वगैरह चलाते हो तो भाई फॉलो वॉलो करो, बात बात करते रहेंगे। एंड बाकी वीडियो
पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।